ओ भाई साहब क्या ट्रैफिक है लगा हुआ, इतना लैंडस्लाइड होता है यहाँ पे ज्यादातर। ये कार के अंदर देखो एक डॉग है, कितना क्यूट है, बीगल है बीगल। बाइक का साउंड सुन रहे हो, सुनोगे? अटल टनल के बाहर के नज़ारे देखो। तो ये ऊपर में देख लो, ऊपर में पैरा, ओ भाई कितना सामने से गया ये हॉट एयर बैलून, भाई साहब गजब के लग रहे हैं। और सो गाइस यहाँ से 9 किलोमीटर है स्टिंगरी, अभी टाइम 3:34 हो रहा है और यहाँ से 130 किलोमीटर है मनाली। भाई साहब 130 प्लस 127 लगभग 250 किलोमीटर और चलाना है अपने को। मैं यहाँ पे रुका क्योंकि गजब का नज़ारा देखने मिला, आपको क्यों ना सोचा आपको भी दिखाते चलूँ। नीचे का भी नज़ारे एक नंबर है मेरे भाई, एक नंबर, मज़ा आ रहा है। यही सारे नज़ारे देखने के लिए रुका था मैं और सोचा आपको भी अच्छा से दिखा दूं। फेस देख लो कैसा हो चुका है। राइड करते हैं और 250 किलोमीटर, उसके बाद रुकते हैं। चलो बाय बाय। अभी जस्ट मेरा फोन में नेटवर्क आया, मैं इंस्टा स्टोरी अपलोड किया, मतलब ये जगह का कि मैं कहाँ हूँ और क्या क्या था सीन, इतने दिन से कहाँ था, मतलब नेटवर्क नहीं थे, क्या चल रहा था, वो सारा चीज़ इंस्टाग्राम में अपलोड हुआ। इसलिए बोलता हूँ इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सब ब्यूटी आपको देखने से पहले इंस्टाग्राम में अभी आप लोगों ने देख लिया है। कल मैं मतलब समझ लो आधा दिन तक तो हम लोग माउंटेन में रहेंगे, उसके बाद तो प्लेन ही प्लेन। भाई साहब धूप, गर्मी, परेशानी, सब चीज़ एक साथ। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। यहाँ से अटल टनल है 28 किलोमीटर और ये जो आगे में पेट्रोल का जो ट्रक जा रहा है बहुत गंदा रफ चला रहा है भाई, बहुत गंदा रफ। उसके सामने कोई आ रहा है तो ऐसा लग रहा है मार देगा, बहुत गंदा चला रहा है। तो हम लोगों का दूसरा टाइम होने वाला है कि हम लोग अटल टनल में जाने वाले हैं। इससे पहले रिटर्निंग में गया था, अभी दोबारा से जाने वाला हूँ। ऊपर में जो पहाड़ है ना, माउंटेन के ऊपर जो स्नो है, उसमें से पता नहीं धुआं निकल रहा है, वो क्या चीज है, फॉग है कि कुछ है, समझ में नहीं आ रहा है। नज़ारे देखने में जो मजे है ना वो कोई चीज में नहीं है। एक जगह बस बैठो, गर्म चाय हाथ में लो, बस नज़ारे का लुफ्त उठाओ, मजा आ जाएंगे। कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल टकर न कर। ये कार के अंदर देखो एक डॉग है, कितना क्यूट है, बीगल है बीगल। ओ हेलो, कितना क्यूट लग रहा है। ओ ले ले, मेरा स्नो को मैं मिस कर रहा हूँ, स्नो को देखा हुआ कितना दिन हो गया, कितना क्यूट है यार। आप लोगों को दिख रहा है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैं इसके आगे जाना चाहता हूँ लेकिन ये पपी को देख लिया हूँ ना, तो मन कर रहा है अभी इसके पीछे पीछे चलो, इसको देखते रहो। बस तेरा और मेरा साथ यहीं तक था दोस्त, या तो तू आगे चला जाए या तो मैं आगे चला जाता हूँ। कितना प्यारा है यार, टाटा। कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं अटल टनल और वो रहा माउंटेन। भाई माउंटेन में से धुआं निकल रहा है, बहुत जबरदस्त लग रहा है। काश स्नोफॉल हो जाए यहाँ पे, मजा आ जाएगा। वैसे ठंडी के टाइम में ना यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है। हरा पेड़ दिख रहा है ना, ये सारा स्नो से भर जाता है। अभी तो नहीं गिरेगा भाई। ओके, कोक्सर इज 12 किलोमीटर, कभी कभी देखने मिलता है, हमेशा देखने नहीं मिलता है। दिस इज जन्नत। ओ भैंस की आँख। कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। पीछे में इससे भी बड़ा नदी था, मतलब पानी जमा हुआ था और यहाँ पे भी पानी जमा हुआ है। वहाँ पे इतना प्रेशर में पानी आ रहा है। चल वेन्यू चल, बहुत ज़्यादा प्रेशर है भाई। अरे बाप रे, अरे बाप, आसान था, आसान था, इजी था, इजी। वो देख लो, वो है अटल टनल। इतना दूर से मेरे को दिख रहा है, क्या आप लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो सामने से दिखाता हूँ। वो देख लो, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अटल टनल दोबारा। हाँ, ये टनल 9 किलोमीटर का है। अभी हम लोग फाइनली इसमें जाने वाले हैं। और वहाँ पे तो ब्यूटी है भाई साहब, क्या जबरदस्त। हवा भी एकदम बहुत भयानक चल रहा है यहाँ पे, बहुत जबरदस्त हवा चल रहा है। प्रोजेक्ट दीपक, वेलकम यू टू चंद्र भाई। अब ये टनल के बाद नज़ारे अलग ही होंगे। ये नो ओवरटेकिंग, यहाँ पे ओवरटेकिंग अलाउ नहीं है, ठीक है। नो स्टॉपिंग, रुक नहीं सकते हैं यहाँ पे। प्लस यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, कैमरेस बहुत सारे लगे हुए हैं। अगर आप हाई स्पीड में यहाँ पे जाओगे तो कैमरे पकड़ लेंगे, और कैमरे पकड़ लेंगे तो आगे पर्ची कट जाएगा आपका। लिमिट में ही रहिएगा आप लोग। भाई साहब जो मजे आ रहे हैं, ओ हो। अपना गाड़ी भी 57-58 पे ही लगा हुआ है। किस तरह बना होगा ये टनल, इतना बड़ा और इतना अच्छा है भाई साहब की क्या ही बोलूँ। बहुत शानदार है, बहुत शानदार। देख लो बंदे को, ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है फिर भी जा रहा है। बाइक का साउंड सुन रहे हो, सुनोगे? सुना क्या गजब का साउंड आ रहा है। पता नहीं आप लोगों को सुनाई दिया कि नहीं, मेरे को तो बहुत बवाल लग रहा है साउंड यहाँ पे अपना बाइक का। बाप रे बाप, कितना बड़ा टनल है, 9 किलोमीटर। वो भी धीरे 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 जाते जाते लगता है, महसूस होता है कि बहुत बड़ा टनल है, बहुत बड़ा। मन को प्राउड फील कर रहा है यार, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। अभी हम लोग बाहर निकलने वाले हैं अटल टनल से बाहर। थैंक्स विजिट अगेन। अभी अपना स्पीड कम हो गया 40। अभी हम लोग निकल चुके हैं अटल टनल के बाहर। ओ हो, बाहर का नज़ारे देखो यार, अटल टनल के बाहर के नज़ारे देखो, गजब के। अरे भाई साहब, अटल टनल के बाहर के नज़ारे कुछ अलग ही है, बहुत शानदार लग रहा है। लेकिन नज़ारे जो भी बोल रहे, रुका हो यार, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ तो मेरे को जैसा फीलिंग हो रहा है ना, वो कैमरे में बता ही नहीं पा रहा हूँ। ओहो क्या शानदार लग रहा है। बस इतना समझ लो, जगह जबरदस्त है, एक नंबर। क्या बहुत गंदी वाली ट्रैफिक है भाई, बहुत गंदी वाली। ये गोप्रो बार बार हैंग हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे साइड में रोक के फिर ऑन किया। सर जी चलान उलान मत काट देना। और ये ऊपर में देख लो, ऊपर में पैरा। ओ भाई कितना सामने से गया। ये कभी अपने को भी करने का है ब्रो। यहाँ पे सब कुछ एक्टिविटीज होगी, ATV राइड्स है, पैराग्लाइडिंग है। उसके वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। बाप रे बाप, देख रहे हो यहाँ पे भीड़ कितना है। ओह बैंच की आँख, मेरे को लगा क्या उड़ गया। ओ हो, ये सब करने से तो पूरा डर ही निकल जाएगा। वो चला रहे, तुम बैठे हो तो ATV राइड्स करने का फायदा नहीं है। अब भयंकर ही क्राउडेड है भाई। जितने खतरनाक एडवेंचर करना चाहते हो यहाँ पे आ जाओ। आधे घंटे से यहीं पे बैठा हूँ। यहाँ पे छोले कुलचे खा रहा था, 2 खा लिया एक का जगह, और पेट एकदम फुल हो चुका है मेरा। रात को भी भूख नहीं लगेगा ऐसा लग रहा है मेरे को। 127 किलोमीटर बचा है आज का राइड का। नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ से तुम क्यों चले, मनाली यहाँ से 9 किलोमीटर है। ये सोलंग वैली है। ओके, मंडी है 120, बिलासपुर 185। सुंदरनगर पहुँचते हैं होटल के पास, और पूछते हैं खुद से कि क्या मैं और बाइक चला सकता हूँ। अगर शरीर ने बोला कि हाँ चला सकते हो, आगे चलूँगा, और नहीं तो रुक जाऊँगा, ठीक है। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं मनाली। ये है मनाली मार्केट एरिया। ठंडा लग रहा है। आगे में कोई तो ऑफिसर जा रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे गाड़ी है पुलिस के, और उसी के पीछे पीछे मैं भी लग चुका हूँ, क्योंकि अपने को ट्रैफिक नहीं मिलेगा। साथ ही साथ सफर हॉट एयर बैलून भाई साहब गजब के लग रहे हैं। और पास से दिखाता हूँ, और पास से दिखाता हूँ, और पास से दिखाता हूँ। उसमें लोग भी हैं, जैसा मूवी में देखा था वैसे ही दिख रहा है। भाई साहब गजब के हैं। यहाँ पे एक्चुअली लग रहा है उतरेगा ये, गजब का है। जो भी बोलो अच्छा लग रहा है। ओ भाई साहब मजे का है। उस पर बैठने में, घूमने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे अपना पेट्रोल हुआ 909 रुपये का मनाली में। चलो मनाली में कुछ किया चाहे नहीं किया, पेट्रोल तो डलाया। कितना है यहाँ पे? 99 रुपीज़ है पेट्रोल प्राइस। 9 लीटर 19 पॉइंट। जो भी बोलो यार, मनाली में भीड़ भाड़ बहुत भयंकर है। वो देख रहे हो, पूरा वहाँ पर पार्किंग है। ओ भाई साहब, मेरे को तो ट्रैफिक देख देख कर हालत ही ख़राब हो गया। ये देख रहे हो पूरा पार्किंग एरिया है। टूरिस्ट भयंकर ही आए हैं टूरिस्ट। ये है मनाली। मनाली है तो भीड़ भाड़ तो होबे करेगी। ओ भाई साहब जाने दे दो, बाइक को भी जाने नहीं मिल पा रहा है, इतना भीड़ चल रहा है यहाँ पे। देखो मैं मनाली घुसा भी हूँ कैसे टाइम पे, शाम के टाइम पे। शाम और सुबह तो भयंकर ही भीड़ होता होगा, और मैं इसी टाइम घुसा हूँ। दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, पैरों को बांधे बेड़िया बताए सो कहानियाँ। मनाली के बाहर निकल के कुछ ऐसा नज़ारा हम लोग मुझे देखने मिल रहा है और आपको भी। ये है मनाली के बाहर का नज़ारा। ये कौन सी नदी है मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताएं। थैंक यू। रोड एक नंबर मिल रहा है अपने को। एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन हो रहा है मेरा अभी, मुझे से नींद टाइप का लग रहा है, फीलिंग आलसी, बहुत ज़्यादा आलसी लग रहा है। तो कहीं पर चाय पीना पड़ेगा, अभी नहीं, ये मार्केट एरिया वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाए उसके बाद कहीं साइड में देखो। देखो गाइस कितने सारे पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। वो भाई बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 तो मैं ही देख पाया अभी तक। तो गाइस अभी टाइम 8:30 हो चुका है, अभी टाइम 8:25 हो चुका है और यहाँ से सुंदरनगर है 75 किलोमीटर। टाइम लगेगा 3 घंटे जाने में मुझे, तो 8:30 साढ़े 9 साढ़े 10 साढ़े 11 बजे तक मैं सुंदरनगर पहुँचूँगा अपने होटल में। अभी ये साइड में ढाबा है तो यहीं पर चाय पी रहा हूँ, ये रहा चाय। और ये सारे पेपर्स हैं, पता है क्या किया, हेडलाइट को पोछा हूँ अच्छे से पानी और पेपर से, इसको भी पोछा हूँ पानी और पेपर से। देख लो बाइक में सिर्फ यही चमक रहा है, 3, बाकी कुछ नहीं चमक रहा है। चाय पीते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। एक ट्रांजेक्शन ब्रेक चाहिए था अपने को, तो ट्रांजेक्शन ब्रेक भी हो चुका है अपना। चाय पियेंगे, माइंड सेट हो जाएगा। 11:30 बजे तक बाइक चला लूँगा बिंदास होते हुए। सुंदरनगर में रुकते हैं, चलो निकलता हूँ चाय। पूरा हम लोग का साइड में जितना दिख रहे हो सारा माउंटेन भरा हुआ है, वो भी रोड भी देख रहे हो पूरा ऑफ रोड है, बहुत ज़्यादा भयानक ऑफ रोड यार मिल रहा है मेरे काम। उसी लिए 75 किलोमीटर करने में 3 घंटा समय बता रहा है गूगल। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं यहीं से आया था, मेरे को मालूम है रोड बहुत गंदा वाला ख़राब है। यहाँ पे रात का 9 बज रहा है और ये हम लोग जाने वाले हैं टनल में। ये टनल लगभग 3 किलोमीटर का है। ओ भाई अंदर ठंडा है, वैसे बता दूँ मैं जैकेट का चैन तो खोल दिया हूँ, इतना गर्मी लग रहा है मेरे को अंदर में, पूरा पसीना हो चुका है मेरा। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई दिल्ली, मतलब यहाँ से दिल्ली, पंजाब हरियाणा और यूपी, ये बिहार, ये सब में तो यार इतनी गर्मी है वहाँ पे दिन में। अभी सुबह 8:30 बजे से स्टार्ट किया था राइड, अभी 8:30 हो चुका है। 12 घंटा से मैं बाइक चला रहा हूँ, बात तो मानना पड़ेगा, 12 घंटे से चला रहा हूँ अभी। और 3 घंटा, 15 घंटा, 15.5 घंटे में आज बाइक चलाऊँगा। वैसे बता दूँ जितना मैं दूर जा रहा हूँ एक दिन में ये कवर किया हूँ, ये लोग हमेशा 2 से 3 दिन लगा देते हैं, मैं एक दिन में कवर किया हूँ। तो भाई लाइक तो करना बनता है ना यार, इतना एक्सट्रीम लेवल का राइड हो गया आज भी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, थैंक यू। दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, ओ तेरी नजर जादू की, उठ गए हम तो पहली मुलाकात में। अरे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम राइड है, देख रहे हो ऑफ रोड, एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई, बहुत ज़्यादा टेंशन में चलना पड़ता है भाई। OMG भयंकर ही ट्रैफिक है। ओ भाई साहब क्या ट्रैफिक है लगा हुआ, इतना लैंडस्लाइड होता है यहाँ पे ज़्यादातर, उसके वजह से हो सकता है। ओ भाई जी इतनी ट्रैफिक काय को है, बहुत टाइम लगने वाला है अपना यहाँ पे, समझ में आ रहा है अपने को। चलो भाई निकल गया। चुप चुप के वे वफाइया वाले दिन चले गए, आंखों में आंखें डाल के वफा करता है। पिछली बार जो होटल में रुका था इस बार भी वही होटल में रुका हूँ। 12:33 में पहुंचा था 11:30 बजे। 8:30 बजे का स्टार्ट किया हुआ, मतलब टोटल 15 घंटे में बाइक चलाया हूँ आज। 15 घंटे बाइक पे था, हालत खराब हो गया। ऐसा नहीं था कि मेरे को पूरा थक गया हूँ कि जबरदस्ती यहाँ पे आके रुका हूँ, ऐसा नहीं था। मैं चाहता तो अम्बाला तक चला जाता, ठीक है, लेकिन बट मेरा दोनों मेमोरी कार्ड एकदम फुल हो गया था और इस फुटेज को ट्रांसफर करना था, उसके वजह से मैं सोचा रुक लेता हूँ, फुटेज वगैरह भी ट्रांसफर हो जाएगा, मेमोरी क्योंकि दोनों फुल हो चुका है। और ये वही होटल है जहाँ पे मैं पिछली बार रुका था सुंदरनगर में, और क्योंकि भाई ऑनर अच्छे हैं उसकी वजह से मैं यहाँ पे उसी लिए रुका। कपड़े वपड़े आके सब ऐसे खोल खाल के यहाँ पे फेंक दिया हूँ। अभी बस खाना वाना खा के आया, होटल में दूर है थोड़ा, होटल यहाँ पे, होटल पास नहीं, हाफ किलोमीटर दूर है, तो होटल खाते खाते 1.5 घंटा वहाँ पे चला गया, नहीं तो 11:30 बजे मैं आ चुका था यहाँ पे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक अच्छा लगा होगा ही भाई, 15 घंटा मैं बाइक पे बैठा था। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइट सेफ, दिस इज बीवी व्लॉग्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद जय भारत, चलो बाय बाय।